आपके साथ। बिहार की राजनीति में उठा पटक शुरू हो गई है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलना कई सवाल खड़े करता है, और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि पार्टी के खुद आला अधिकारी कह रहे हैं। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर चुनाव चिन्ह के मामले में अपनी बातों को रखा। जिला अध्यक्ष इसराइल आजाद का कहना है कि आगामी चुनाव से ठीक पहले जन अधिकार पार्टी के चुनाव चिन्ह को बदलकर कैची छाप कर देना इसमें केंद्र सरकार की साजिश है। हालांकि पार्टी को इस बात का कोई भी दुख नहीं कि उसका चुनाव चिन्ह बदला है। उनका मानना है कि लोगों के दिल में पप्पू यादव बसे हैं, ना कि चुनाव चिन्ह, और आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में पप्पू यादव ही एकमात्र विकल्प हैं एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ। ऐसे में अगर चुनाव चिन्ह बदलता भी है तो उनसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग सिर्फ पप्पू यादव को पहचानते हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मानसिकता उनकी है कि चुनाव चिन्ह को ठीक चुनाव से पहले बदलना, ताकि उनका वोट जो है वो पोलराइज हो जाए। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले चुनाव चिन्ह कैची छाप को लोगों तक पहुँचाकर लोगों के दिलो दिमाग में इसे बसाना चाहते हैं। ये कहना है कि जन अधिकार पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हॉकी बॉल स्टिक था वो बदल करके कैंची छाप हो गया। कैंची छाप होने पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया व्यक्त किया कि इलेक्शन के मौके पर ही क्यों हमारा चुनाव चिन्ह को बदला गया। इलेक्शन कमीशन चाहते तो एक साल पूर्व भी हमारा चुनाव चिन्ह बदल सकते थे, ऐन मौके पर बदला गया। ये केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं साजिश लगती है, ताकि मेरे नेता का लोकप्रियता जो है सिंबल बदल जाने से उसका वोट का जनाधार घट जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, अगर चुनाव चिन्ह कैंची छाप भी मिला है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और जहां तक सवाल है कि छाप का, तो छाप से पप्पू यादव का पहचान नहीं है, पप्पू यादव से छाप का पहचान है। पप्पू यादव को जो छाप दिया गया है वो कम ही समय में पूरे बिहार में छा जाएगा, इसलिए कि पप्पू यादव ने रात दिन एक कर करके लोगों का सेवा किया है। छाप दिल में बसा हुआ नहीं है पप्पू यादव का, पप्पू यादव सबके दिल में बसा हुआ है, इसलिए जो भी छाप मिलेगा पूरे बिहार की जनता उसको अपनाएगा और दिल से लगाएगा। अब सवाल है कि इलेक्शन के समय में ऐसा हुआ, लोगों में थोड़ा सा ऐसा अदरवाइज फील हो रहा है कि भाई ऐसा कैसे हुआ इलेक्शन के समय में। जहां तक सवाल है पप्पू यादव आंदोलन का नाम है, पप्पू यादव हर जुल्म अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ने वाला है पप्पू यादव। किसान का मुद्दा लेकर के, किसानों की समस्या लेकर के, छात्रों की समस्या लेकर के लड़ने वाला है पप्पू यादव। अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ते हैं वो। पूरी बिहार की जनता जानती है कि अगर आज बिहार में अगर कोई विकल्प है तो वो पप्पू यादव, विपक्ष है तो पप्पू यादव है, दुख दर्द में काम आता है तो पप्पू यादव है। तो पप्पू यादव को जो छाप मिला है, क्योंकि पप्पू यादव दिल में बसा हुआ है, तो छाप को भी, ये कैंची छाप को भी दिल में लोग बसाएंगे, हमें पूरे विश्वास। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये छाप बहुत माने रखता है। छाप कैंची से जो
रद्दी चीज है उसको काट के हटाया जा सकता है, भ्रष्टाचारी का पर कतरा जा सकता है, जो अपराधी है उसका भी पर कतरा जा सकता है, जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसका भी पर कतरा जा सकता है। तो ये कैंची अगर छाप मिला है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं, जन अधिकार पार्टी स्वागत करती है, और आगे चुनाव में हम लोग 2020 का चुनाव में हम लोग कैंची छाप लेकर उतरेंगे। निश्चित रूप से हमें यकीन है कि हम बहुमत में आएंगे और हमारा नेता माननीय सांसद पप्पू यादव जी मुख्यमंत्री बनेगा। जन जन की आवाज है किसान मजदूर।